our topic is general characteristics of teaching. So teaching के methods हैं वो कौन से हैं? There are eight methods. ये मैंने जो आठ methods लिखे हैं ये basic learning proportions हैं. टीचर की लाइफ में जो मेथड आते हैं जो सिखाए जाते हैं जो भी इधरों में जो जैसे बीएड का कोर्स है जिसमें लर्निंग का एडजस्टमेंट इंडिविजुअल एनवायरनमेंट चेंजेस लर्निंग है जो ऐसी है जो चेंजिंग करे एक एनवायरनमेंट में जो बेसिक एनवायरनमेंट है उसमें चेंजिंग आए और बोला लर्निंग ग्रोथ लर्निंग में ग्रोथ आती है कैसे रिजल्ट ग्रोथ आप चाहिए जैसे जैसे लर्निंग आती जाती है उस हिसाब से चाइल्ड में ग्रोथ आती जाती है तो बोला लर्निंग ऑर्गेनाइजिंग एक्सपीरियंस मेनर बिहेवियर लर्निंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है बिहेवियर है किस चीज़ का है मेनर का है एक्सपीरियंस ही आता है बिहेवियर कहाँ से आता है एक्सपीरियंस से आता है लर्निंग इज पर्पजफुल रैपिड परमानेंट लर्निंग जो होनी चाहिए वो पर्पजफुल होनी चाहिए पर्पज होना चाहिए पर्पज के अलावा लर्निंग जो है वो इनकम्प्लीट है लर्निंग एक्टिव लर्निंग प्रोसेस लर्निंग जो हो वो एक्टिव हो परफेक्ट एक्टिव ऐसा ना हो कहीं एक्टिव ना हो डीएक्टिवेट हो जाए फुल एक्टिवेट होनी चाहिए लर्निंग इज इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिव लर्निंग में जो इंटेलिजेंसी होनी चाहिए क्रिएटिव होनी चाहिए नए आइडियाज आए नए थाट्स आए जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ता जाए लर्निंग अफेक्ट द कंडक्ट ऑफ लर्निंग लर्निंग क्या करता है कंडक्ट ऑफ लर्निंग को अफेक्ट करता है अफेक्ट कैसे करता है उसमें चेंजिंग आने की वजह से न्यू न्यू चेंजिंग आती है वो अफेक्ट करती है लर्निंग इज प्रोडक्ट ऑफ एनवायरनमेंट लर्निंग जो है वो प्रोडक्ट की है एनवायरनमेंट की प्रोडक्ट है क्योंकि जैसे जैसे लर्निंग आएगी तो एनवायरनमेंट भी चेंज होगा बाय प्रोडक्ट तो इसी वजह से हमें लर्निंग लर्निंग का प्रोडक्ट ऑफ एनवायरनमेंट दीज आर द बेसिक लर्निंग प्रॉपर्टी ये सब जो है वो बेसिक लर्निंग की प्रॉपर्टीज हैं जो किसी भी टीचिंग्स में टीचर की जो प्रैक्टिकल लाइफ में उसमें ज़्यादा डिले करती हैं और ऐसे डिपेंड करेगा कि जो चाइल्ड है वो चाइल्ड की ग्रोथ कैसे आ रही है तो लाजमी है कोई टीचर पढ़ाएगा तो ग्रोथ तो लाजमी आनी चाहिए काम में दिखेगी टीचर और स्टूडेंट्स की जो आउटपुट आएंगे उस पर डिपेंड करेंगे स्टूडेंट के आउटपुट कैसे आ रहे हैं फ्यूचर में अच्छे आ रहे हैं या नहीं ये सब चीज़ें इस पर डिपेंड करने वाली है बेसिक जनरल कंपोनेंट्स हैं तो अगर हम डिफाइन करें इसको बेसिक कंपोनेंट्स को तो वैसे तो कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा हैं पर ये नॉर्मली ब्रीफ इंट्रोडक्शन है जो मैंने बताया